मेरे प्यारे भांजे। अरे खाला जान, आज इधर कहाँ से? क्या मुझे देखकर खुश नहीं हुए? बहुत खुश हूँ खाला जान, बहुत खुश हूँ। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? दो दिन से भूखी हूँ। मेरा घर ऐसी जगह है जहाँ दूर दूर तक कोई मक्खी नजर नहीं आती। आज भूख से बेताब होकर तुम्हारे पास आई हूँ। मुझ बुढ़िया को तो बस मक्खी की एक टांग ही काफी है। थोड़ा सा सर्दी दे दो तो प्यारे भांजे, ये किया तुम्हारी मेहरबानी होगी। खाला जान, यहाँ जब मक्खी ही नहीं तो फिर टांग और सर कहाँ? भांजे, मुझ बुढ़िया को क्यों बेवकूफ बनाते हो? तुम्हारा घर ऐसी जगह है कि अल्लाह ताला ना बुलवाए रोज दर्जन भर मोटी ताजी मक्खियाँ आ जाती होंगी। खाला जान, वह पुराने वक्तों की मक्खियाँ थी जो चुपचाप हमारे घर में आ जाती थी। नए जमाने की मक्खियाँ बड़ी चालाक हो गई है। वह मकरों के घरों में झांकती तक नहीं, इटलाती भिनभिनाती दर से दूर से गुजर जाती है। ये ना कहो प्यारे भांजे, मक्खियाँ तो हमेशा बेवकूफ होती है। तुम अपने खाला को भूखो मारना चाहते हो तो ये और बात है। खाला, आपसे क्या करदा, मैं भी दो दिन से भूखा हूँ। अरे तुम भी भूखे हो? हाँ खाला जान। हाय, कैसा बुरा जमाना आ गया है। मक्खियाँ इतराती फिर रही हैं और मकड़े बेचारे भूखे बैठे हैं। भांजे, क्या तुमसे एक मक्खी भी इधर से नहीं गुजरी? खाला जान, अभी अभी एक मक्खी इधर से गुजरी है। तुमने इसे अपने घर में आने की दावत नहीं दी? वो तो इधर रुकी ही नहीं, गीत गाती हुई चली गई। तुमने उससे कुछ कहा नहीं? नहीं। कैसा अहमियत भांजा दिया है अल्लाह ताला ने। अरे जब वो आई थी तो उससे कहते, ऐ बीवी रानी, रोज इधर से गुजरती हो, कभी मेरी कुटिया को भी रौनक बख्शो, वगैरह वगैरह। अच्छा, आप कहूँगा। अरे भांजे, ये बीवी की आवाज़ कैसी है? शायद वही गाने वाली मक्खी है। तो मैं छुप जाती हूँ। देखो भांजे, अकलमंदी से काम लेना, होशियारी से बात करना। मजाक है जो होना फंसे,